भारत में एक दिन पहले ही महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए हैं। नतीजों के बाद से ही विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का राग छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव को जीतने में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए हैं। भारत में ईवीएम पर हर चुनाव के बाद राजनीति होती है, लेकिन इसी बीच सात समंदर पार यानी कि अमेरिका में बैठे दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने भारतीय इलेक्शन सिस्टम की जमकर तारीफें की हैं। उनका मानना है कि एक दिन में भारत द्वारा 64 करोड़ लोगों के वोटिंग की काउंटिंग करना सच में काबिल-ए-तारीफ है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है और साथ ही अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पोस्ट किया जिसमें एक आर्टिकल की हेडलाइन को पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा था कि भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की बात कही और इस बात पर एलन मस्क ने निराशा जाहिर की, क्योंकि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है जबकि चुनाव हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने दुखद बताया है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया में अभी भी 3 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की गिनती होनी है और राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को विजय घोषित किया जा चुका है। कैलिफोर्निया में 3.9 करोड़ निवासी हैं और इनमें से 1.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने मेल के जरिए मतदान किया। इसी वजह से कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है और इससे पहले 2020 के चुनाव में भी कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती में कई हफ्तों का समय लगा था। तो इसी बीच आपको बता दें कि एलन मस्क ने अपनी टिप्पणी में कैलिफोर्निया में चुनाव परिणामों में देरी पर सीधा हमला बोला है। मस्क ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में भारत में तेजी से आते चुनाव परिणामों और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुस्त मतगणना प्रक्रिया के बीच अंतर पर जोर दिया है। एलन मस्क ने एक अन्य टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अब आधिकारिक तौर पर अपने मंत्रिमंडल में प्रत्येक विभाग के लिए किसी को नामित कर दिया है और कैलिफोर्निया अभी भी वोटों की गिनती कर रहा है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहां अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। राज्य में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग लिया था। स्टेट सेक्रेटरी ऑफिस के अनुसार बात करें तो 24 नवंबर तक राज्य में 5 लाख से भी ज्यादा से अधिक मतपात्रों की गिनती नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 98% मतपात्रों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 58.6% वोटों के साथ विजेता बताया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 38.2% वोट मिले हैं। आपको बता दें कि इसी बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक और इतिहास रचते हुए अपनी कुल पूंजी यानी कि टोटल नेटवर्थ को $348 बिलियन तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही वो केवल दुनिया ही नहीं बल्कि उन्हें इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा भी मिल चुका है। टेस्ला के शेयरों में बढ़त और मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एआई की कीमतों के उनके नेटवर्थ यानी कि पूंजी में जबरदस्त बढ़त मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि आने वाले समय में टेस्ला सीईओ की संपत्ति और बढ़ सकती है और नियामक नियमों के अनुसार बात करें तो संभावित डील स्पेस एक्स के नए प्रोजेक्ट्स और XAI के बढ़ते प्रभाव से मस्क के कारोबार को मजबूती मिलेगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।